गांधी विचार मंच तथा अखिल भारतीय प्रबुद्ध वैश्य समिति के अध्यक्ष सुभाष चंद्र गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांधी विचार मंच अपने सदस्यों के बीच आपसी सहयोग मेल मिलाप बढ़ाने के लिए वर्ष में एक बार भ्रमण यात्रा, होली मिलन तथा प्रत्येक माह बैठक का आयोजन करता है। कोरोना काल के चलते विगत दो वर्षों के बाद गांधी विचार मंच 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन कर रहा है, जिसमें मेडिकल कैंप, पैथोलॉजिकल जांच तथा वैश्य समाज के होनहार छात्र छात्राओं ने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्रदान की है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गांधी विचार मंच के अध्यक्ष सुभाष चंद्र गुप्ता ने कहा, मैं सुभाष चंद्र गुप्ता गांधी विचार मंच का अध्यक्ष हूँ। विगत मुझे गांधी विचार मंच की स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी, जिसके सदस्य के रूप में सभी शासकीय कर्मचारी, चाहे वो केंद्र के हों, चाहे राज्य के हों, चाहे वो किसी प्राइवेट जॉब कर रहे हों, इनको बनाने का संविधान बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में हम लोगों ने सभी वैश्य लोगों को, जो भी अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर चुके हैं या अपने क्षेत्र में अग्रगण्य हैं, उनको अपना सदस्य बनाने का प्रयास किया है। और हमारा एक मुख्य कार्यक्रम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। विगत दो वर्षों में तो हम लोग गांधी जयंती का कार्यक्रम कोरोना की वजह से नहीं मना सके, लेकिन इस वर्ष हम लोग गांधी जयंती समारोह भव्य तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो गंगा लान नौसढ़ में मनाए जाने का कार्यक्रम है, सवेरे 7 बजे गांधी प्रतिमा पर हम लोगों द्वारा माल्यार्पण किया जाना है और माल्यार्पण के बाद गंगा लान में गांधी जयंती समारोह मनाया जाएगा। इस समारोह में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। मेडिकल कैंप में वैसे समाज के लगभग सभी विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, जो अपनी विशेषज्ञता के अनुसार वहाँ जांच कराने वालों को अपनी राय देंगे। एक पैथोलॉजिकल जांच के कैंप का भी आयोजन है, जिस पैथोलॉजिकल जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। बच्चों की प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी और ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने अपनी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अर्जित की है या किसी जॉब में आए हुए हैं, उनको भी सम्मानित किए जाने का काम किया जाएगा। इस प्रकार हम लोग अपने समाज को आगे बढ़ाने की तरफ अग्रसर।